अब जी हम इसमें ऐसा कर लेते हैं कि कुछ और कैलकुलेशंस करते हैं, और कौन सी करेंगे जी? पार्टिकल मोल कैलकुलेशन। जब हमें ऐसा हो कि मोल गिवन हो, जैसे हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं, मोल हमें गिवन हो और उसमें से हमने क्या निकालना है जी? पार्टिकल। अब पार्टिकल जैसे हमने कहा था कि वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और इसी तरह से फॉर्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। तो इसमें हम क्या निकालना चाह रहे हैं जी? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड निकालना चाह रहे हैं। तो इसके सामने हम लगा देते हैं जी क्वेश्चन मार्क कि हमें नहीं पता, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हमें मालूम है, तो वो हम लिख देते हैं जी, हमारे पास गोल्ड के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 2 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया गोल्ड के नंबर ऑफ मोल्स 2, ठीक है। तो 2 मोल्स हमने सामने लिख दिया। उसके बाद एवोगैड्रोस नंबर है, और ये हमें पता है कि जी कितना है, 6.02 × 10 की पावर हम लिखते हैं जी 23, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, एवोगैड्रो नंबर। अब हम किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पार्टिकल मोल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एटम अगर निकालना चाहते हैं तो हम किस तरह से निकालेंगे जी? एक फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पर, चले हम लिख देते हैं, वो क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ हम कह देते हैं एटम्स या पार्टिकल। यहाँ पर हम क्या निकालना चाह रहे हैं जी? पार्टिकल निकालना चाह रहे हैं, जबकि ये नीचे एक मैंने हेडिंग दी हुई और इसकी भी हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे जी? मोल और पार्टिकल कैलकुलेशन, यानी कि हमें मोल गिवन नहीं होगा, हमने मोल निकालना होगा कब? जब हमें पार्टिकल्स जो है उनके नंबर बताए हुए होंगे कि इतने पार्टिकल हैं, उसमें से आप ये बताएं कि नंबर ऑफ मोल्स कितने। तो चले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं, नंबर ऑफ एटम्स या कोई भी चीज अगर हमने पार्टिकल वगैरह कैलकुलेट करने हो तो हम किस फॉर्मूले से जी इसकी कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी इस दर डिविजन नहीं होगा बल्कि नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि वो जो सब्सटेंस है, जैसे हमारे पास गोल्ड है तो हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गोल्ड, चले हम यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि हम गोल्ड के हवाले से बात कर रहे हैं। वैसे कोई भी अगर आपके पास दूसरा सब्सटेंस हो तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर के लिए जो हमने सिंबल लिया था, चले हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या हम सिंबल लेते हैं जी? कैपिटल एन, और उसके सबस्क्रिप्ट में हम क्या लिखते हैं, कैपिटल ए लिख देते हैं, तो एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पर जो मैं एन ए लिख रही हूँ इसका, चले हम सिंबल ले लेते हैं, और अब हम करते हैं जी इसकी कैलकुलेशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गोल्ड हमें दिए हुए हैं वो कितने हैं जी? 2 हैं, ठीक है। और यहाँ चले हम लिख देते हैं 2 मोल्स, और इसको हम जी मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? एवोगैड्रोस नंबर के साथ, 6.02 × 10 की पावर 23 से, ठीक, ये हमने लिख दिया 23। तो अब क्या होगा, ये जो 2 होगा ये मल्टीप्लाई होगा इस वाले के साथ 6.02, जबकि पावर एज इट इज रहती है, पावर के साथ हम उसको एज इट इज लिख देंगे। तो 6 को जब 6.02 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी? 12.04 × 10 की पावर 23। तो ये हमारे पास क्या बन गए हैं? एटम्स बन गए हैं, यानी कि अगर हम गोल्ड के एटम्स निकालना चाह रहे हैं तो क्या कर लेंगे हम? एवोगैड्रोस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके मोल्स के साथ, जितने मोल्स हमें गिवन थे, हमें बताए हुए थे कि इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो ये हमने निकाल लिए जी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड, यहाँ पर ये हमने सॉल्व कर लिया, और इस तरह से हमें ये समझ आ गई कि अगर हमें क्या दिया हुआ हो, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हो, तो हम नंबर ऑफ एटम्स को किस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये हमारी पहली कैलकुलेशन हो गई। दूसरी जो हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं उसके लिए, चले हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं, चले पहले इसको हम एक बॉक्स में कर देते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने ये वाली कैलकुलेशन किसके हवाले से की है जी, नंबर ऑफ एटम्स के निकालने के हवाले से। अच्छा, उसके बाद जो हमारी कैलकुलेशन आ जाती है नेक्स्ट वन, वो है जी मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। अब इसमें क्या है जी, हमने क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर हमें नहीं मालूम, तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो वाटर के हैं वो हमें लेट सपोज यहाँ पर दिए हुए हैं, चले हम इसको लिख देते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास हैं जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वो हम यहाँ पर लिख देते हैं जी, वो है हमारे पास 36, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 36 × पावर हमारे पास कितनी है? 23। और एवोगैड्रो नंबर हमें यहाँ पर पता है वो कितना है जी? 6.02 × 10 की पावर क्या है जी? 23 है,
ठीक है, तो यहाँ पर चले हम लिख देते हैं साथ में मॉलिक्यूल्स, ताकि हमें याद रहे कि ये हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स लिख दिए। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जी हम ये फॉर्मूला जो ऊपर हमने लिखा था वो वाला दोबारा से यहाँ रिपीट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि हमें रिवाइज हो जाए यहाँ पर और याद रहे कि हमने क्या लिया था। हमने कहा था जी नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, या हमारे पास फॉर्मूला यूनिट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल का केस हम डिस्कस करें, क्योंकि वाटर के क्या होते हैं जी, मॉलिक्यूल होते हैं। तो हम लिख देते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, उसको ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि वाटर के साथ हम बात कर रहे हैं। तो वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा जी, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम किसके साथ, एवोगैड्रोस नंबर के साथ। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको एवोगैड्रोस नंबर के साथ, जो कि मैंने सिंबल अगेन एन ए लिख दिया, यहाँ पर भी हम मेंशन कर देते हैं ताकि हमें ये चीज याद रहे। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करते हैं जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हमें गिवन है, जबकि हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स को हमने निकालना है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको जब यहाँ पर ही रहने देंगे तो एन ए जो एवोगैड्रो नंबर है वो क्या करेगा जी, मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। तो चले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर चले पूरा लिख देते हैं, मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि हम ये निकालना चाह रहे हैं, ये अननोन क्वांटिटी है, हमें नहीं मालूम, जबकि दूसरी बाकी चीजें हमें मालूम है। नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूल, सॉरी, यहाँ पर ये वाली चीज ऊपर रहेगी, ये यहाँ हम लिख देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एवोगैड्रो जो है नंबर वो इससे क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा, वो डिविजन में चला जाएगा। तो यहाँ हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया और इसको डिवाइड कर देंगे हम एन ए से, जो कि हमारा क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। चले हम ऐसा करते हैं, हम इस पे सारी की सारी न्यूमेरिकल वैल्यू अपनी पुट कर देते हैं जी। अच्छा, अब इसमें ये होगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें कितने दिए हैं, 36 दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, और इंटू 10 की पावर 23 है, और ये क्या है जी, मॉलिक्यूल्स हैं, और डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर हम कर देते हैं जो कि है 6.02 10 की पावर 23। तो अब हम ऐसा करते हैं जी, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है जी हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर, और इसके ऊपर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट चूज कर लेंगे 36, और हमारे पास क्या है जी, एक्सपोनेंट ये पावर हम ले लेंगे, और 10 की पावर, सॉरी, हमने लेनी थी। अब इसको हम ऐसा करते हैं जी, बैक कर लेते हैं, हम इसको दोबारा से ले लेते हैं 36, इसको दोबारा से ब्रैकेट चूज करेंगे 36, और इनटू हम 10 लेंगे और इसकी पावर ले लेंगे जी 23, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, और इसको हम क्या कर लेंगे जी, डिवाइड कर लेंगे किससे, अगेन ब्रैकेट को सिलेक्ट करेंगे 6.02 और इनटू 10, और इसकी पावर ले लेंगे जी 23, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा जी वो 5.9 है। तो यहाँ से हमें पता चल गया क्या आ गई हमारे पास वैल्यूज, 5.9। तो यहाँ से कैलकुलेटर से हमने यूज करके देख लिया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने आ गए जी, 5.9। तो इस तरह से हम जो है नंबर ऑफ मोल्स को निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास क्या गिवन हो जी, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या पार्टिकल गिवन हो, तो हम नंबर ऑफ मोल्स को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने ये कैलकुलेशन भी कर ली, और ऊपर वाली कैलकुलेशन में हमने देख लिया था कि हमने निकाले थे जी, चलें इसको हम पहले पूरा लिख देते हैं, और ये मोल्स को भी हम सर्कल कर देते हैं, बॉक्स में हमने कर दिया। अब यहाँ पर क्या गिवन था हमें, हमें गिवन था जी मॉलिक्यूल्स गिवन थे, और हमने क्या निकाले हैं, मोल्स। जबकि ऊपर वाले में अगर हम देखें तो हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि हमें मोल्स गिवन थे और हमने एटम्स निकाले थे। तो ये हमारी कैलकुलेशंस होती हैं, जिसको हम पार्टिकल मोल कैलकुलेशन और मोल पार्टिकल कैलकुलेशन कहते हैं, और न्यूमेरिकल्स में इसको हम यूज करते हैं।